नालागढ़ में सम्राट जादूगर शो आज से शुरू होगा, जिसका शुभारंभ एसडीएम प्रशांत द्वारा किया जाएगा। ये शो 15 दिन तक चलेगा। इस दौरान सम्राट जादूगर ने नालागढ़ के पुराने बॉयज स्कूल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि नालागढ़ में उनका ये पहला शो है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस शो का मुख्य उद्देश्य देश में फैल रहे अंधविश्वास और देशभक्ति के प्रति लोगों को जागरूक करना है। साथ ही उन्होंने सरकारों के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ये जादू कला भारत की सबसे प्राचीन कला है, जो विलुप्त होने की कगार पर है। इस कला को संरक्षण देने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि नालागढ़ में हमें ये शो करने का मौका मिला, और एसडीएम साहब यहाँ के बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमें बहुत ही आसान तरीके से परमिशन दिया और उन्होंने हमारा मनोबल भी बढ़ाया, और मनोबल बढ़ाने के लिए वो आज शाम को शो में हमारे पास आ रहे हैं हमारा शो का ओपनिंग करने के लिए। और इस शो के जरिए हम लोगों को सबसे ज़्यादा बड़ा संदेश ये देना चाहेंगे कि अंधविश्वास में ना रहें, क्योंकि जादू कोई तंत्र मंत्र नहीं है, जादू एक विज्ञान है और एक कला है। लोग अंधविश्वास में ना रहें, तंत्र मंत्र ढोंगी ठग बाबाओं के चक्कर में ना रहें, और अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई उसके ऊपर ना वेस्ट करें। तो सबसे हमारा तो दो उद्देश्य है सर, अंधविश्वास के खिलाफ आप लोगों को जागरूक करना। दूसरा हमारा उद्देश्य है इस भागदौड़ की ज़िंदगी में आप लोगों को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करें। हम सर सबसे बड़ा हमारा फोकस रहेगा रंगीन इंद्रजाल का, काबुल देश का मीना बाजार का, मिस्र देश की राजकुमारी सोफिया का, और भारत माता जो कि देश भक्ति से प्रेरित है ये आइटम, वो भारत माता का आइटम। सर कितने दिन चलेगा शो आपका? सर हमारा शो यहाँ 15 दिन चलेंगे। हमारा दो कैटेगरी का है, एक सामने फ्रंट साइड का जो है सो 150 की है, और बैक साइड की 100 रुपीज़ की है। और स्कूल के बच्चों के लिए हमने जो है सो डिस्काउंट कर रखा है सिर्फ 50 रुपये, जो कि स्कूल के टाइम में ही हम दिखाएंगे। सुबह हम 2 शिफ्ट स्कूल के बच्चों के लिए रख रखे हैं, 9 से 11, 11 से 1 का, उसके बाद पब्लिक शो चलेंगे। 2 घंटे का शो होगा? जी सर 2 घंटे का शो। अच्छा, सरकार की तरफ से हमें कोई प्रोत्साहन नहीं मिलती है, और बल्कि फॉरेन कंट्री वाले हमारे से काफ़ी आगे हैं, जो कि हमारे से ही सीख के फॉरेन वाले हमसे आगे निकले हैं। लेकिन वो आगे क्यों है कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोत्साहन दी जाती है, हमारे यहाँ जादू कला के नाम पर कोई प्रोत्साहन नहीं दी जाती है, बल्कि उल्टा जो है सो क्रश किया जाता है। आज हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमारे भारत की प्राचीन कला है मैजिक, और ये खतरे में है, लुप्त होते जा रही है, तो सरकार को चाहिए इधर भी ध्यान देना चाहिए और इस पुराने कला को धरोहर की तरह संजो के रखना चाहिए। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट।